सारी सिलेक्शन वाला 120 लड़के, 4,000 लड़कों में से 120 लड़के निकाले थे। तो इमरान खान साहब ने मतलब देखा इसको, इसको तौफीक उमर को, तो इन्होंने कहा जी इनके साथ कोई बड़ा है कोई, तो मुझे बताया, मैं गया उनके पास। ये देख के डर उन्होंने एक गया लफ्ज़ होगा। कहा मुझे कि इसको ज़ाया नहीं करना। माँ सत, ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी मौजूद है जो बिल्कुल। शेयर करना चाहता है इस ट्रांसमिशन में, अपना हिस्सा डालना चाहता है। उनसे बात करते हैं और वो हैं कामरान अकमल, यस वाइस कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान, क्या सलाम अलैकुम फरूख भाई, कैसे हैं आप? ठीक हाल चाल ठाक है हैं? आपके? ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र। कामरान। आपके वालिद साहब अकमल साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आपके भाई अदनान भी और सोहेल तनवीर भी। इस वक्त लाइव प्रोग्राम जा रहा है और मैं आपके वालिद साहब को बता रहा था कि कामरान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है और श्रीलंका में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई थी तो हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा वहाँ पे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद वाइस कैप्टन बनने की। थैंक यू जी, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैं अब्बू को सलाम करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। और कामरान, इतनी बड़ी फतह जो कि एक कहते हैं कि खुशकिस्मती भी है इसमें, ऑब्वियसली दुआएं भी बहुत सी हैं और हार्ड वर्क मेहनत भी है, क्योंकि एक जो स्ट्रेटा चला आ रहा था वो यही था कि पाकिस्तान की टीम फिनिश नहीं कर पा रही मैच। बॉलिंग अच्छी करती है तो बैटिंग में बैठ जाती है, बैटिंग अच्छी करती है तो बॉलिंग में बैठ जाती है, अगर दोनों अच्छे हों तो फील्डिंग तबाह बहुत ही बुरी होती है, कैचेस मिस होते हैं। लेकिन इसमें आखिर में आके थोड़ा सा खतरा पड़ गया था लेकिन फिर जीत गया। मुझे ये बताओ कि जब सात खिलाड़ी जो हैं उनके पाकिस्तान के, जब सातवां खिलाड़ी आउट हुआ और आपकी विकेट भी गई, तो आपके उस वक्त क्या जज्बात थे? आपको फिर भी लग रहा था कि जीत जाएंगे? नहीं, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि हम लोग इतनी बड़ी विक्ट्री हम लोगों को मिली है, वर्ल्ड की बेस्ट टीम से जीते हैं हम लोग और इतने अच्छे बाद उनसे जीते हैं। तो ऐसा नहीं था, बस एक स्कोर आ गया था जब मैं आउट हो गया था, तो हाँ ऑलमोस्ट हमारे हाथ में ही आ गई थी। लेकिन जब मैच शुरू हुआ था थर्ड डे फोर्थ डे, तो थोड़ी सी परेशानी हुई थी, अर्ली ऑन विकेट 2-3 गिर गई थी, लेकिन फुली हम कॉन्फिडेंट थे और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम लोग जीते हैं। सही। कामरान, जो नया रोल है आपका वाइस कैप्टेंसी का, इसमें आप कितने मुतमईन हैं और क्या आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं सलमान भट्ट को? नहीं जी, देखें जी, सलमान भट्ट की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, जितना अच्छी उसने कैप्टनशिप की आपके सामने है, फर्स्ट मैच में की है कप्तानी, और सबसे मैं समझता हूँ बहुत अच्छी की और मैच जीते भी हैं, सब लड़के खुश भी हैं, मोटिवेट भी करता रहा, सब प्लेयर्स ऑलमोस्ट नए प्लेयर्स थे, तो ठीक। पूरी 100% सपोर्ट है पूरी टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। तो इनशाला आगे फ्यूचर में भी जो अपकमिंग हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें भी हम लोग इनशाला पूरी 100% सपोर्ट करेंगे। जहां तक मेरा तल्लुक एज ए सीनियर प्लेयर, तो इंशाल्लाह जहां जरूरत पड़ेगी सलमान को बताने की, जब पूछने की, तो डेफिनेटली उसे बताएंगे सही। और जो टीम के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह करेंगे। कामरान, मैं एक बात कह रही थी कि अदनान भी, आपके भाई भी मौजूद हैं, तो दो भाई तो हैं ऑलरेडी टीम में, अगर तीसरा भाई भी टीम में इंशाल्लाह आ गया तो ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी दुआ है, मैं समझता हूँ कि मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, मैं दुआओं से खेल रहा हूँ, माँ बाप की दुआओं से खेल रहा हूँ। नहीं जहां तक बिल्कुल, मुझे पता है ये जितना अच्छा है, जितनी मेहनत कर रहा है डोमेस्टिक में, इंशाल्लाह और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो नेक्स्ट जो भी है ये मुझे पूरी उम्मीद है मुझे प्लेस करेगा। अच्छा कामरान, एक कंट्रोवर्सी आई थी क्योंकि अदनान भी विकेट कीपर है। मुझे याद है आज से कुछ साल 1.5 साल पहले आया था जब अदनान का आ रहा था नाम के जी टीम में आएगा, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि जी क्योंकि जब तक कामरान टीम में है वो भी विकेट कीपर है, सीनियर विकेट कीपर है, तो तब तक अदनान की जगह नहीं बन सकती, तो इसमें कुछ हकीकत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ जो अच्छा परफॉर्म करेगा डोमेस्टिक में, तो जैसे अभी खेल रहा हूँ मैं, परफॉर्म अल्लाह का शुक्र है जैसा भी हो रहा टीम के लिए कर रहा हूँ और करता रहूंगा आगे भी। ये मैं कहा पाकिस्तान की टीम है, इसमें भाइयों की नहीं है, ये अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर मुझसे अल्लाह ना करे ना हुआ तो डेफिनेटली ये रिप्लेस करेगा, ये नहीं कोई और करेगा। सही सही, जो भी अच्छा है डिजर्व करता है, बिल्कुल सही। सही। अच्छा, आज वालदैन का आलमी दिन भी है कामरान, और आपके वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी कितनी कंट्रीब्यूशन रही आपको कामरान अकमल बनाने में, वाइस कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज एक प्राउड इंसान बनाने में? अकमल साहब की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आज जो कुछ भी हूँ इनकी दुआओं से हूँ, इनकी मेहनत से हूँ, जो कुछ भी हूँ शुरू से लेके अब तक ये मेरे साथ ही जाते रहे, हर जगह जाते रहे क्लब के, और शुरू में जैसे मैंने क्रिकेट शुरू की थी इवन लाहौर से बाहर भी जाते थे हम, मुझे लेके जाते थे, ये इन्होंने ये नहीं देखा कि ये गर्मी है। मैं समझता हूँ आज जो कुछ भी हूँ इनकी दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से हूँ,
और इनकी सपोर्ट से हूँ। मैं जितनी इन्होंने मुझे सपोर्ट की है, मैं समझता हूँ कम ही कोई अपने बेटों के बच्चों लिए को करते हैं, और मजीद कर रहे हैं। अब उम्र भी है माशाल्लाह, बतनान है, तो डेफिनेटली जो कुछ भी है हम भाई इनकी दुआओं से, इनकी मेहनत से ही है। सही। कामरान उमर को भी हमारा सलाम और बहुत सारी दुआएं, और उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद क्योंकि उसने भी बड़ी जबरदस्त बिल्कुल परफॉर्मेंस दी। कोई शक की हाँ बात नहीं। अच्छा भाई एक छोटी सी हमने, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें होंगी, आपने कहीं सुहेल नहीं तनवीर जाना। से मैंने बहुत सी बातें करनी। सुहेल तो हाँ बिल्कुल खामोश हुए हैं, पता नहीं क्यों, इनसे भी बहुत सारी हम बातें करेंगे, बातों नहीं है बहुत है हम जानते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। Jago, 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 jago.